भारतीय फूडी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन रिच अप्पे। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। इसकी अगर आप प्रिपरेशन एक दिन पहले कर लें तो ये सुबह बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो सभी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 कटोरी चावल लिए हैं मैंने, आप कोई भी चावल ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपके घर में हो। 1/2 कटोरी उड़द की दाल ली है, मैं सब एक साथ ही मिक्स करके डाल रही हूँ। 1 कटोरी मैं मिक्स दाल लेने वाली हूँ, तो जो भी दाल आपके घर में अवेलेबल हो आप सारी एक साथ मिक्स कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी। ये मसूर की दाल ली है मैंने, चने की दाल है 1 मुट्ठी, थोड़े से चने लिए हैं, मूंग की दाल ली है, साबुत चौलाई है और हरे मूंग है। ये सब मिलाकर 1 कटोरी हो जाएगा और 1/2 कटोरी हमने उड़द की दाल ली थी। सब एक साथ मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे पहले साफ पानी से। 2 से 3 बार मैंने इसे धो लिया है साफ पानी से। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगाकर ढककर रख देंगे। दाल और चावल को भिगाए हुए हैं हमें 4 से 5 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भीग गई है। अब हम इसका जो पानी है ऊपर का वो ड्रेन कर लेंगे और इसे मिक्सर में पीस लेंगे। मिक्सर में थोड़ा थोड़ा चावल और दाल डालकर, थोड़ा पानी डालकर हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। पेस्ट हमने बना लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ पेस्ट है। अब हम इसे एक डब्बे में डालकर 7 से 8 घंटे के लिए ओवरनाइट रख देंगे। बैटर को फूल के 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे से इसमें जाली आ गई है, कितने अच्छे से फूल गया है ये। अब हम इसका एक मिक्स बनाएंगे और फिर अप्पे बनाएंगे। जीरा लेना है हमें, 8 से 10 कली मैंने लहसुन ली है, 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली है, आप तीखा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। धनिया पत्ती ली है थोड़ी सी। मिक्सर के जार में हम ये सब डाल देंगे और इसका दरदरा सा पेस्ट बना। हरी मिर्च और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। 2 प्याज काटे थे मीडियम साइज के, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 बारीक बड़ा कटा हुआ टमाटर लेना है, नमक डालना है स्वाद अनुसार। अब हम इसमें बैटर मिक्स करेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अप्पे के स्टैंड को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, हम उसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अब इसमें अप्पे का बैटर डालेंगे। वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपको पसंद हो वो, या वेजिटेबल्स पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए मैं अप्पे का जो बैटर है वो सिर्फ 1-1 चम्मच ही डाल रही हूँ क्योंकि ये फूलेगा। गैस की फ्लेम हमको लो रखनी है वरना ये नीचे से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे और फिर दूसरे साइड से पलटेंगे। इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, मतलब इसको हमें पलटना है। सभी अप्पों को हम चम्मच से पलट देंगे, देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। हल्का हल्का सा ऊपर से हम ऑयल लगाएंगे इस पर ताकि नीचे के साइड में भी ऑयल चला जाए, और इसे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अप्पे हमारे रेडी हैं, देख सकते हैं आप दोनों तरफ से कितने अच्छे से हो गए हैं और फूल गए हैं ये बहुत अच्छे से। अब हम इसे निकाल लेंगे और सॉस के साथ या चटनी के साथ सर्व करेंगे। तैयार है हमारे अप्पे। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये प्रोटीन रिच है, इसमें बहुत सारी दालें हैं जो हमने यूज़ की हैं, तो ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। थैंक यू।